अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है मीडियन लेयर वाइज मटेरियल क्वांटिटी इन सिविल 3D। अगर आपके पास मीडियन एरिया में मल्टीपल सर्फेसेस हैं, तो आप उनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनकी क्वांटिटी जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। ये हमारी फाइल है, इसमें लास्ट टाइम हमने मीडियम की क्वांटिटी कैलकुलेट की थी, उसको मैंने डिलीट कर दिया है। अभी हम इसमें मल्टीपल मटेरियल को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जो है हमारे पास जो है लास्ट जो हमने कॉरिडोर सरफेस क्रिएट की थी, उसमें हमने मीडियम के लिए भी दो सरफेस क्रिएट की थी, एक मीडियम बेस और एक मीडियम टॉप। तो लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ एक ही का यूज किया था, आज की वीडियो में हम दोनों का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक न्यू सरफेस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सी सरफेस है? अगर हमें इस वीडिच में कंक्रीट रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उसका मटेरियल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए मैं ये सरफेस क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने सरफेस क्रिएट की है। अभी इस सरफेस में मैं ये जो सरफेस है हमारी मीडियम टॉप की, उसको मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, पेस्ट सरफेस। आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना है, अदरवाइज आपको ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, मटेरियल कैलकुलेशन में। तो वीडियो को पूरा देखें बगैर स्किप किए। ओके, ये सरफेस हमारी बन गई है। यहाँ पे अभी हमने इसको कॉरिडोर में ऐड करना है। तो यहाँ पे सैंपल मोर सोर्सेज में आपने जाना है। ये हमारी सरफेस बनी है, इसमें आपने इसको कोई भी स्टाइल असाइन कर लेना है और इसको आपने कॉरिडोर में। ओके, यहाँ पे ये देखें, ये लाइन का कलर चेंज हो गया है, क्योंकि ये सरफेस हमारी उसी सरफेस के ऊपर जो है वो ऐड हो गई है टॉप के ऊपर। तो यहाँ पे मैं एक दफा स्केप करता हूँ। ओके, ये हमारी सरफेस है जो अभी हमने क्रिएट की, मैं इसको जस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे सरफेस एडिट में ये रेज और लोअर की जो ऑप्शन है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे ये जो सरफेस है वो थिकनेस जो है यहाँ पे मटेरियल की, वो 200 mm रिक्वायर्ड है। तो इसको जो मैं सरफेस को ऑफसेट करता हूं अभी, ऑप्शन आ गया यहां पे। तो इसको मैं 0.2 जो है 0.2 मीटर जो है 200 mm जो है वो इसको मैं माइनस में ऑफसेट करता हूं, -0.2। ओके, जैसे इसको मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप लोग देखेंगे ये सरफेस जो है हमारी अभी टॉप सरफेस से सही 200 mm पे जो है अभी ऑफसेट हो गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये कुछ एडिशन इसकी लेंथ आ रही है, क्योंकि इसकी लेंथ यहाँ तक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको हम कैसे ट्रिम कर सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे। ये जो एनालाइज टैब में यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सर्फेसेस की ऑप्शन है, इसको आपने चेक करना है और यहाँ पे आपने आके राइट क्लिक करनी है और आपने मीडियन बेस और 200 mm ये जो सरफेस है इसके दरमियान में आपने इंटरसेक्शन क्रिएट करना है। जैसे ही आप इंटरसेक्शन क्रिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ प्लान व्यू में दो लाइन शो हो जाएंगी, एक राइट में और एक लेफ्ट में। तो इसकी आपने बाउंड्री बना लेनी है लाइन स्ट्रिंग कवर कमांड से। तो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ कि ये कैसे ट्रिम करेगा इसको। ओके, तो ये हमारी सरफेस है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ये जो है यहाँ तक आ रही है, अभी हमने इस एज तक इसको ट्रिम करना है। ओके, तो ये जो कंक्रीट 200 mm है, इसको मैं अभी बाउंड्रीज देता हूँ, ऐड बाउंड्री आउटर, मैं इसको कोई भी ऐसे नाम दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे ये जो लाइन है हमारे पास ये लाइन, ओके, मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लाइन जो है हमारी वो अभी ट्रिम हो गई है। ओके, तो ये देखें यहाँ पे ट्रिम हुई है, यहाँ पे ट्रिम नहीं हुई है। ओके, तो ये डिपेंड करेगा आपकी ये ट्राइंगुलेशन पे। ओके, तो मैं इसको ये जस्ट दिखाने के लिए था, मैं इसको ट्रिम नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं इसकी ये जो बाउंड्री है इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। ओके, डिलीट डिलीट। ओके, सरफेस। ओके, रीबिल्ड, ठीक हो गया। अभी क्या करना है आपने, अभी हमने अपनी मटेरियल कैलकुलेशन करनी है। तो मटेरियल कैलकुलेशन के लिए वही सेम प्रोसीजर है, आपने यहां से एक सैंपल लाइन को सिलेक्ट करना है
और यहाँ पे आपने ग्रुप प्रॉपर्टी में आ जाना है। यहाँ पे मटेरियल टैब में आना है, एड न्यू मटेरियल, और इसको आपने नाम दे लेना है। ओके, मैं इसको कंक्रीट का नाम दे रहा हूँ। ओके, इसी को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे एड ए सब क्राइटेरिया, इसको मैं ऐड करता हूँ। ओके, इसको मैं मीडियम का नाम देता हूँ, मीडियम फर्स्ट लेयर। ओके, ठीक हो गया। अभी इसमें जो है हमने जो कैटेगरी हमारी वो फिल की है, यहाँ पे हमने इसमें अपनी सर्विसेज ऐड करनी है। तो सर्विसेज हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल होंगी। ओके, एक तो हमने जो क्रिएट किया है वो है, और एक हमारा इसका मीडियन का बेस है, और एक कॉरिडोर टॉप है। तीन सर्विसेज हैं हमारे पास यहाँ पे। ओके, इसके अबव में हमें कैलकुलेट करना है, और ये जो बेस मीडियन है इसके भी अबव करना है, और जो कॉरिडोर टॉप है इसके हमने ब्लो में इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपने अपना जो मटेरियल हैच है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और जस्ट आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मटेरियल हमारा यहाँ है, इस सेक्शन में भी आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ ये जो जूम करके मैंने सेक्शन रखा है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मटेरियल हमारा कैलकुलेट हो गया। अभी ये जो नीचे का पोर्शन है इसमें हमें मटेरियल कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए भी मैं मटेरियल ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मैं मीडियम फील्ड, ओके मीडियम फील्ड सेकंड लेयर लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे ये जो है इसको मैं यहाँ पे अभी जो हमारे पास सरफेस है वो 20 mm है, और यहाँ पे मीडियन बेस है। ओके, यहाँ पे हमें इसके बिलो में चाहिए और मीडियन के ऊपर चाहिए, मीडियन सरफेस की जो बेस सरफेस है उसके ऊपर में चाहिए हमें ये। मैं यहाँ से इसका मटेरियल असाइन करता हूँ और इसको जस्ट ओके करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने टू लेयर्स में जो है मटेरियल कैलकुलेट कर लिया है। तो अभी हम सेक्शन व्यू भी देखते हैं कि इसमें ये सेक्शन व्यू में प्रॉपरली आया है या नहीं आया है। ओके, कोई भी सेक्शन देखें तो इसमें आपको ये प्रॉपरली नजर आएगा कि यहाँ पे कुछ भी इसमें गैप नहीं है, ये बराबर जो है हर जगह पे जो है जैसे हमें रिक्वायर्ड था वैसे ही ये कैलकुलेट हो गया है। तो अभी ये जो लाइन हमारी एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको आपने, ये अभी हमारे काम की नहीं है, इसको हमने इस सेक्शन में से हटा देना है। या आपने कोई भी एक सेक्शन सेलेक्ट करना है, व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी में जाना है, और यहाँ पे आपने आके ओके यहाँ पे ये जो 20 mm वाला है इसको आपने अनचेक कर देना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। तो ये लाइन जो है अभी ये सेक्शन में हमें रिक्वायर्ड नहीं थी, तो ये सेक्शन से चली गई है। मटेरियल कैलकुलेशन में वॉल्यूम में कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये जस्ट हमने अनड्रा कर दी है। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।